महाराष्ट्र पुलिस खेलों के मुकाबले में जो है अहम मुकाम हासिल करते हुए आपने जो है तीर कमान के मामले में अनुराधा जी बहुत अहम मेडल लाया है, सिल्वर मेडल आपको मिला है। तो इस सिलसिले में आपकी ट्रेनिंग कैसी रही और आप जो है PSI भी है और खिलाड़ी भी है एक तरह के और पुलिस को जो है खेल के मैदान में आगे ला रही है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं WPSI अनुराधा पाटिल, मेरा पोस्टिंग यहाँ पे मुंबई में है, नायगांव में। मुझे इंडिया कोच जो हमारे कोच है इलक सर, मिस्टर चंद्रकांत इलक सर, उनका कोचिंग मिला। पिछले 2-3 महीनों से सर हम लोगों को कोचिंग कर रहे थे, पुना में हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, मतलब ये 2-3 महीने। उसके बाद अभी 12th ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी गेम हुआ बेंगलोर में जी। तो वहाँ पे मुझे सिल्वर मेडल मिला है जी। और बॉम्बे में और 2 खिलाड़ी है हमारे आर्चरी के, PSI अतुल पाटिल और पुलिस कॉन्स्टेबल आकाश उदगुड़े, उन दोनों प्लेयर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उन दोनों को भी मेडल रहा है। बॉम्बे मतलब अपना मुंबई से 3 प्लेयर गए थे, तीनों को भी मेडल है हम लोगों को और हमको कोचिंग इलक सर की मिली है। जिस तरीके से यानी देखा जाए कि खिलाड़ी है आप, तो कितने मीटर जो है आपने खेला था और कितना निशाना लगाया था? मुझे 2 डिस्टेंस थे, 30 मीटर और 50 मीटर, तो मुझे 50 मीटर में सिल्वर मेडल मिला है जी। और वहाँ पे अलग अलग मतलब मिक्स टीम रहता है, इंडिविजुअल रहता है, टीम इवेंट रहता है जी। तो उसमें मुझे मिक्स टीम में सिल्वर मेडल रहा है। तो आपका आगे का क्या गोल है, किस तरीके से आप पुलिस को आगे ले जाएंगे स्पोर्ट्स के मामले में? मुझे महाराष्ट्र पुलिस को लेकर मतलब और भी आगे बहुत कंपटीशन खेलना है, जैसे कि ओलंपिक में भी मुझे खेलने की बहुत मतलब ये है। अभी मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है जो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलता, सिर्फ नेशनल लेवल तक ही उस इक्विपमेंट का यूज़ होता है। उस इक्विपमेंट पे मैंने अभी मेडल प्राप्त किया है और अगर मुझे वो इक्विपमेंट मतलब जो इंटरनेशनल लेवल ओलंपिक लेवल में चलता है वो इक्विपमेंट की अगर कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से या कुछ ये मिल जाए तो मैं आगे भी मेहनत करके अपने इंडिया का नाम मतलब ये करना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स में। यानी जब आप पुलिस में भी है और काम के दौरान स्पोर्ट्स भी करती है तो इसमें कोई परेशानी या मुश्किल तो नहीं पेश आती? एक्चुअली हम लोग जब कंपटीशन से पहले ना हम लोगों को 2 या 3 महीने कैंप में क्लोज रखते हैं, उस टाइम पे ओनली प्रैक्टिस होती है जी। तो सब महाराष्ट्र के जो अच्छे प्लेयर्स हैं उन लोगों को इकट्ठा रखा जाता है और कोचिंग भी मिलती है, तो वो 2-3 महीने में हम लोग प्रैक्टिस करके ये सब मेडल। तो महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस जो है पूरी तरह से साथ देती है आपका ये स्पोर्ट्स के मैदान में आगे ले जाने में? हाँ, साथ तो मिलता है हम लोगों को, लेकिन बॉम्बे में कैसा थोड़ा हम लोगों को ड्यूटी का थोड़ा ज़्यादा ये रहता है, तो उतना टाइम हम लोग स्पोर्ट्स के लिए नहीं दे पाते जितना बाकी लोग मतलब बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में उन लोगों को ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा टाइम देते हैं, लेकिन हम लोग बॉम्बे में थोड़ा ड्यूटी हेवी रहता है तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सिर्फ हम लोग वो जो 2 महीना कभी रखेंगे कभी 1 महीना रखेंगे उस टाइम में हम लोग पूरा दिन मेहनत करके ये मेडल्स लेके आ रहे हैं। ये थी अनुराधा जी जो बता रही थी कि किस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस का नाम रोशन करते हुए उन्होंने जो है सिल्वर मेडल लाया है और आगे भी उन्हें जो है स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे ले जाने की तमन्ना है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।